हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि मरने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। दोस्तों, ये सवाल दुनिया के सबसे रोचक सवालों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का अंत एक न एक दिन ज़रूर होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, कीड़े मकौड़े या फिर कोई ग्रह हो। लेकिन फिलहाल हम इंसान का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसे दफनाया जाता है। आप यूं कह लें तो इंसान का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इंसान का शरीर मिट्टी में तो मिल जाता है, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा कहाँ जाती है, और मरने के वक्त इंसान का दिमाग क्या सोचता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक टफ जरूर है, लेकिन मैं आपको एक साइंटिफिक और लॉजिकली तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में 4200 रिलीजन्स हैं और सभी रिलीजन्स की अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोगों का मानना है कि इस जिंदगी के बाद भी कुछ है जो हमारे सोच के बिल्कुल पड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अभी आप एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप मर चुके हैं। इमेजिन कीजिए, कर लिया इमेजिन? सच तो यह है कि आप इमेजिन ही नहीं कर पाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मुझे कैसे पता कि आप इमेजिन ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये फैक्ट है कि जब इंसान जिंदा है, पूरी तरह से कॉन्शियस है, तो वो फील ही नहीं कर सकता, वो ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो मर चुका है। अब आप कहेंगे कि जब इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता तो आप कैसे बता सकते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आप एक बार मर के जिंदा हुए हैं? जी नहीं फ्रेंड्स, मैं नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मर के जिंदा हुए हैं, और इस बात को आप नकार नहीं सकते क्योंकि ये सच है, और ये सच कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से जरूर सुने होंगे। जैसे दादा दादी, नाना नानी, वो ये बात कहते होंगे कि वो व्यक्ति मर के वापस आया है। इन्हें हम NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है वो ये दावा करते हैं कि इस जिंदगी के बाद भी कुछ है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हैं, मानो वो दूसरी दुनिया में चले गए, दूसरे डायमेंशन में। आपको बता दें कि 2011 में एक व्यक्ति की सर्जरी हो रही थी और वो सर्जरी फेल हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि ये मर चुका है, पर कुछ ही मिनट्स बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी, जिसे देखकर डॉक्टर्स हैरान हो गए और उसे बचाने की कोशिश में लग गए। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स उस व्यक्ति को बचाने में सफल रहे, पर गौर करने वाली बात यह है कि जो कुछ मिनट्स वो अपने शरीर से बाहर थे तब उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया। उन्होंने बताया कि वो एक एम्प्टीनेस, यानी कुछ नहीं होने का एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, पर वो प्रेजेंट को फील कर रहे थे। चलिए अब हम दूसरी केस की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसे नींद ना आने की समस्या थी, इसलिए वो हर रोज स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोली खाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि ओवरडोज के कारण वो बेहोश होकर गिर गया, तो पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाया। फिर एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। हुआ ये कि मरने के 3 मिनट बाद ही उसे होश आ गया, मानो यूं चमत्कार सा हो गया। आखिर उन 3 मिनट्स में उस लड़के ने क्या एक्सपीरियंस किया था? उसने बताया कि जब उसकी मौत हुई तब वो अपने शरीर से बाहर निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। अब सवाल ये उठता है कि उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया, क्या वो सच था या दिमाग का कोई वहम? इस बात को टेस्ट करने के लिए एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने उस लड़के से पूछा कि बताओ, उन 3 मिनट्स में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया?
तो लड़के ने वही बताया जो उस टाइम हुआ था। और यही नहीं, एम्बुलेंस किस रास्ते से जा रही थी, किस मोड़ से गुजर रही थी, सब उसे याद था। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। एक रिसर्च के मुताबिक 50% लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, और उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी से भरा अनुभव था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे। 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, यानी वो अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने आप को ही देख पा रहे थे। और 32% लोगों ने मरे हुए लोगों से बातें की। यही नहीं, कई लोगों को दूर से आती हुई तेज रोशनी दिखाई दी, तो कई लोगों को अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई दिए। दोस्तों, ये रिसर्च अपने आप में पूरी नहीं थी, इसलिए इस चीज को अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों से दोहराया गया। अगर हम जगह की बात करें तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में इस चीज को दोहराया गया था। रिसर्चर्स ने उन मरीजों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, तब जाके पता चला कि मौत एक घटना नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर में कई घटनाएं जैसे बहुत से महत्वपूर्ण जगहों के सेल्स यानी कोशिकाओं के मरने से होती है। लेकिन इस प्रक्रिया को सही इलाज के जरिए इसे रिवर्स किया जा सकता है, और वही डॉक्टरों की कोशिश रहती है। कहते हैं मृत्यु आकर्षक और डरावना दोनों है। यह जीवन का अंतिम रहस्य है। मरने के वक्त दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग की जो प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत सी अजीबोगरीब चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम मरने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग के सर्किट बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर की दुनिया के लिए बेहोश हो जाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि मरने के वक्त हमारा दिमाग रेम इंट्रूजन स्टेज में चला जाता है। दोस्तों, आप रेम इंट्रूजन स्टेज सुनकर घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, इसको हिंदी में आंख की गति को तेजी से घुमाना कह सकते हैं। और इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। रेम इंट्रूजन स्टेज में होता यह है कि पेशेंट हेलुसिनेशन यानी दृश्य मति भ्रम का एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि वे उस टाइम सपने देखना शुरू करते हैं, इसलिए इसे रेम इंट्रूजन कहा जाता है। आमतौर पर नार्कोलेप्सी यानी निद्रा रोग के साथ पेशेंट को रेम इंट्रूजन का एक्सपीरियंस होता है। इस प्रोसेस में हार्ट की स्पीड और सांस लेने की स्पीड तेज होती है। दोस्तों, शायद आपको हेलुसिनेशन यानी दृश्य मति भ्रम के बारे में ठीक से समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। हेलुसिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप लगातार कई दिनों तक पढ़ते रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते, तो वो चीज आपको दिखाई देने लगेगा चाहे वो इस दुनिया में ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज रियलिटी में नहीं है उसे बढ़ावा मत दीजिए, अपने हेल्यूसिनेशन यानी मन के भ्रम को मजबूत मत कीजिए। दोस्तों, मैं हेल्यूसिनेशन के बारे में और ज्यादा बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, मरने के वक्त जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है तो दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई होना भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे बंद होने लगती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग सभी शारीरिक प्रक्रियाओं को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो भी रिलीज करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर के कोशिकाओं तक इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुंच पाती, इसलिए सबका काम करना बंद हो जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं पीडीपी। पीडीपी यानी पोस्ट डेथ प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता यह है कि हमारे शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता जिसे बर्न या टेंस रह सके। यही कारण है कि अक्सर मरीज मरने के बाद टॉयलेट कर देता है। दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब इंसान मरता है तो मरने के बाद उसके अंदर की सारी चीजें नहीं मरती, कुछ कोशिकाएं बचे हुए ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं। और ये फैक्ट है कि जब इंसान मरता है तो मरने के बाद भी हमारे शरीर में 100 ट्रिलियंस बैक्टीरियाज फिर भी जिंदा रहते हैं। दोस्तों, मरने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, और धड़कन के बिना खून भी हमारे शरीर के निचले हिस्से में जमने लगता है।
ये खून फिर 2 घंटे बाद क्लॉट होने लगता है। इसी से डॉक्टर बता सकते हैं कि मरने के बाद शरीर को हिलाया गया था या नहीं। रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस का मतलब हुआ कि मरने के बाद शरीर का कड़ापन होना, यानी शरीर का अकड़ना। मरने के 2 या 3 दिन बाद प्यूट्रीफैक्शन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर के बैक्टीरियाज ऑर्गेन्स को खाने लगते हैं। आपको बता दें कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियास के एंजाइम्स जो मदद करते थे, अब वो खुद को ही पेट के बैक्टीरियास के साथ अपने आप को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे गैस रिलीज होते हैं। इसी वजह से मरने के बाद शरीर का रंग पीला हो जाता है और मरने के 2 घंटे बाद ही इंसान अपनी आँख से देखने योग्य नहीं रहता। दोस्तों, मरने के वक्त सभी लोग अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे थे। रिसर्चर्स उन सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को एक साथ रखा, जिसमें एक बात कॉमन थी, एक टनल का एक्सपीरियंस। मतलब उन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ कि वो एक टनल से, यानी सुरंग से गुजर रहे थे। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। जो लोग मर के वापस आए हैं वो लोग कहते हैं बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो लोग पूरी बातें ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। ये सब अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस अगर हमें बता भी दें तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे लॉजिक के बिल्कुल पड़े हैं। तो आपके लॉजिक के हिसाब से क्या होता है मरने के बाद, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट जानने का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें ये शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।